अच्छा अभी ये देखा बी एंड आएगा। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप लोग ठीक ठाक हैं, मज़े में होंगे, खुश होंगे। कल आप सभी ने देख लिया होगा जी जवान का ट्रेलर, और बहुत सारे लोग इसको ट्रेलर ऑफ द सेंचुरी बोल रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ये बहुत अनएक्सपेक्टेड लगा कि उन्होंने जो सोचा था वो कहते हैं उससे अच्छा लगा है हमको। मुझे तो लगता है पठान से भी अच्छा था। हाँ, फील्स तो वैसे ही आ रही है, लेकिन बहुत सारे लोग शायद क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हों। मुझे नहीं इतना पता कि कोई लोग क्रिटिसाइज़ भी कर रहे होंगे, लेकिन कर रहे होंगे, क्योंकि जब भी कोई अच्छा काम होता है या तो उसको क्रिटिसिज्म भी मिलता है, एप्रिसिएशन भी मिलती है, बट एप्रिसिएशन मेरे सामने ज़्यादा आई है। शाहरुख खान एक ऐसे इंसान है जिनकी मेरे ख्याल से इस बार 7वीं अपीयरेंस होगी उनकी किसी मूवी की, बुर्ज खलीफा पर। और दुबई के एम्बेसडर हैं वो, और ब्रांड एम्बेसडर हैं, और हर बार उनकी मूवी का ट्रेलर आता है। इस बार भी आया है, लास्ट ईयर भी हमने देखा था किस तरह से उन्होंने झूमे जो पठान पे डांस किया था, सामने ट्रेलर शो हुआ था। तो इस बार पूरी टीम शायद मौजूद है दुबई में, और इसका एक कमाल किस्म का, रोरिंग किस्म का लॉन्च हुआ बुर्ज खलीफा। दुनिया की सबसे मेरे ख्याल से ऊँची बिल्डिंग है, और कमाल की बात है। देख लेते हैं पूरी वीडियो, हमारे पास है फिल्मी बातचीत चैनल से, देखने के बाद करेंगे डिस्कशन। आवाज स्लो है। बड़ी कमाल बात है ना, इतनी बड़ी। ये मूंछों वाले उनके फादर हैं। मुझे सेतुपति काली नाम होता है, वो देख रहे हैं। अनिरुद्ध भी हैं, ये डायरेक्टर हैं, ये म्यूजिक डायरेक्टर हैं अनिरुद्ध, SRK इन रेड जैकेट। अच्छा अभी ये देखा बी एंड आएगा। ओह, ये था ना। हाँ, बाप बेटे को हाथ उठाने से पहले। अच्छे लग रहे हैं। SRK बड़े अच्छे लग रहे थे, और अपनी फिल्म का ट्रेलर इतने सारे लोगों के साथ इतनी बड़ी स्क्रीन पर, यूं करके देखना पड़ता। हाँ, वो यार हमें ये वीडियो में छोटी लग रही है बिल्डिंग, लाइव जिन्होंने भी देखी होगी वो बता सकते हैं कितनी बड़ी ऊंची बिल्डिंग है। और ऑडियंस भी काश हमें दिखाई देती, कितनी बहुत ऑडियंस देख रही होगी। तो कल हमने भी ट्रेलर देखा था, हमने अपना रिव्यू आपके सामने रखा था, अपने ख्यालात आपके सामने रखे थे। बेटे और को हाथ लगाने से पहले बाप से कह करो, बाप से पहले मिलो, पता नहीं कुछ इस तरह। बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से मिलो, कुछ इस तरह था। उसके बाप से करना पड़ेगा। हाँ, तो वो डायलॉग बड़ा कमाल था, और एक अनएक्सपेक्टेडली, लेकिन हमने खैर एक वीडियो देखी थी पहले जिसमें थोड़ा सा वो वो करते हैं। अच्छा, मैं कल हम ये कहना भूल गई थी कि इसमें एक बच्ची आती है जो चलिया गाने में भी थी, जहाँ तक मुझे याद है, जो इन्हें कहती है कि आपने बालों पे कलर लगाया है। हाँ, वो थोड़ा इनको मिक्स कर रही है फादर और उनको ना। हाँ, मेरे मुझे लगता है कि या तो ये इनकी बेटी है या फिर कुछ तो सीन होगा। हाँ, ये दोनों मूवी में मुझे हो सकता है कि दोनों ना कंफ्यूज करते रहेंगे, बाप बेटा कुछ इस तरह का सीन होगा। बाकी तो शाहरुख खान को भी नहीं पता होगा कि उनके फादर जिंदा हैं। हाँ, हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि वो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। बहरहाल ट्विस्ट होंगे मूवी में। और पिछले साल हमने पठान को देखा था, बुर्ज खलीफा के ट्रेलर उस पर चल रहा था, इस बार हमने जवान का देखा है। और ज्यादा टाइम नहीं रह गया, 6 दिन, ओनली 6 डेज रिमेनिंग टिल द मूवी रिलीज। तो देखते हैं, मुझे लगता है इस बार वापस से जो है ना 1000 करोड़ से प्लस होने वाला है, एंड बहुत सारे लोग बहुत एक्साइटेड हैं इसके लिए। और जिन्होंने लाइव विटनेस किया इसको बुर्ज खलीफा पे, वो ज़रूर बताइएगा कैसी फीलिंग होती है,
बाकी है कि आई होप आपको देखने में मसाज अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो सो आई वांट टू लाइक शेयर और सब्सक्राइब और हमारे ब्लॉग से जाकर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा फॉर लेटेस्ट फोटो स्टोरीज एंड अपडेट्स के लिए। इसी तरह आपके लिए लाते रहेंगे नए नए डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस डेली, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।